हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, फ्लूइड प्रॉपर्टी का ये चौथा वीडियो है। इससे पहले हम तीन वीडियो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो फ्रेंड्स यदि वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी आप ज़रूर देख लें। हमने उसमें लगभग 70 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इस क्वेश्चन में भी हम लगभग 25 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके आने वाले SSC JEE एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वहाँ पे आपको मैच करना है। पहला दिया गया है लुब्रिकेशन। तो लुब्रिकेशन किससे होता है? लुब्रिकेशन कोई भी मान लो ऑयल है, उसकी वजह से होता है। तो ऑयल के अंदर क्या होती है? ऑयल के अंदर होती है विस्कोसिटी। तो ए जो है आपका थर्ड से मैच हो जाएगा। राइज ऑफ सैप इन ट्रीज, तो ये किसकी वजह से होता है? सरफेस टेंशन की वजह से, यानी कि वहाँ पे कैपिलरी एक्शन होता है और कैपिलरी एक्शन सरफेस टेंशन की वजह से होता है। तो बी जो है वो या तो फर्स्ट से मैच हो जाएगा या फिर फोर्थ से, क्योंकि बी जो फर्स्ट और फोर्थ हैं दोनों में ही सरफेस टेंशन दिया गया है। फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट, यानी कि जो कोई भी मान लो लिक्विड है उसमें ड्रॉपलेट किसकी वजह से बनती है? वो भी सरफेस टेंशन की वजह से बनती है। यानी कि सी जो है वो भी फर्स्ट या फोर्थ से मैच हो जाएगा। और कैविटेशन जो होता है वो होता है वेपर प्रेशर से, यानी कि डी जो है वो सेकेंड से मैच हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो है आपका या तो डी करेक्ट हो जाएगा या फिर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वेव प्रोड्यूस ड्यू टू सरफेस टेंशन इन ए सेलो चैनल इज नॉन एज, तो सरफेस टेंशन की वजह से कौन सी वेव जनरेट होती हैं? तो कैपिलरी एक्शन जो होता है वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है, तो जो वेव जनरेट होगी वो कैपिलरी वेव होगी, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। इफ़ द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉन्वेक्स देन, यहाँ पे आपको समझना होगा, जैसे मैं मान लो ये कंटेनर है, इसके अंदर कोई लिक्विड रखा हुआ है, तो इसके अंदर यदि हम ट्यूब रखेंगे या तो ये ट्यूब के अंदर जो लिक्विड है या तो राइज होगा या फिर फॉल होगा। तो यदि राइज होगा तो इसका जो टॉप सरफेस है वो क्या होगा? कॉनकेव। ये जो आपको शेप दिख रहा है ये कैसा होगा? कॉनकेव, कॉनकेव। और यदि मान लो कोई ऐसा लिक्विड है जिसकी वजह से इसके अंदर मान लो यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है, तो यदि ट्यूब रखेंगे तो ये जो सरफेस है ये डिफ्रेस्ट हो जाएगी, तो ये जो शेप बनेगी ये बनेगी कॉन्वेक्स। तो यहाँ पे आपको कॉन्वेक्स के लिए पूछा गया है। तो कॉन्वेक्स कब बनेगा? जब कोहेसन फोर्स ज़्यादा होगा, क्योंकि कोहेसन फोर्स ज़्यादा होगा तभी ये डिफ्रेस्ट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि अपन जानते हैं मरकरी जो होता है उसमें कोहेसन फोर्स ज़्यादा होता है। कोहेसन यानी कि मॉलिक्यूल के बीच में, यानी कि सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है कंपेरिजन किसके कंपेरिजन में? मॉलिक्यूल और ग्लास के बीच में। और यहाँ पे देखिए एग्जांपल मान लो वाटर है, तो वाटर का तो कैपिलरी राइज होगा और जो ऊपर शेप बनेगी मेनिस्कस की वो कॉनकेव बनेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, यदि कोहेसन फोर्स ज़्यादा है तो कॉनवेक्स और यदि एडहेशन ज़्यादा है तो कॉनकेव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिकल फ्लूड आर विस्कस पोजेज सरफेस टेंशन आर कंप्रेसिबल पोजेज ऑल ऑफ अबोव प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे आपको नाम अलग दे दिया है। प्रैक्टिकल फ्लूड यानी कि रियल फ्लूड, जो प्रैक्टिकल फ्लूड होते हैं वही रियल होते हैं। तो रियल फ्लूड के अंदर कुछ विस्कोसिटी होगी, ठीक है, और सरफेस टेंशन भी होगा, वो कंप्रेसिबल होंगे, वो एक लिमिट तक होंगे, यानी कि कोई ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है कोई कम होता है, लेकिन इनकंप्रेसिबल नहीं होता है। वो एक आइडियल कंडीशन होती है कि कोई फ्लूड इनकंप्रेसिबल है, लेकिन रियल यहाँ पे प्रैक्टिकल फ्लूड की बात की हुई है तो कुछ कंप्रेसिबल होगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। उसमें सभी चीज़ें होगी, यानी कि विस्कस, सरफेस टेंशन और कंप्रेसिबल। फॉर वेरी ग्रेट प्रेशर विस्कोसिटी ऑफ मोस्ट गैसेस एंड लिक्विड, तो यहाँ पे लिखा गया है मोस्ट गैसेस एंड लिक्विड, तो यहाँ पे बात हो रही है विस्कोसिटी की। तो विस्कोसिटी जो है वो सेम रहेगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या फिर इरेटिक बिहेवियर होगा, इसका आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा, रिमेन सेम, क्योंकि यदि हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो उसकी विस्कोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए गैसेस और लिक्विड दोनों की बात की गई है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। विस्कोसिटी मतलब सिंपली आपको विस्कोसिटी बोले तो आपको समझना है डायनेमिक विस्कोसिटी, जिसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में पूछा जाएगा तो आपको मेंशन दिया जाएगा,
तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिक्विड की। तो लिक्विड में तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं होता, चाहे काइनेमेटिक हो चाहे डायनेमिक हो, लेकिन गैसेज के अंदर डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे तो डायनेमिक के बारे में पूछा गया है, इसलिए गैसेज में भी चेंज नहीं होगी। लेकिन यदि हम बात करें काइनेमेटिक विस्कोसिटी फॉर गैसेज, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे फिनोमिना किसका आया है, डेंसिटी का। तो डेंसिटी यदि हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, और यहाँ पे नीचे की चीज़ इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है वो गैसेस की डिक्रीज़ होती है ज़्यादा प्रेशर की वजह से। लेकिन यहाँ पे आपको पूछा गया है डायनेमिक, तो सेम रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपन टू द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हेन इट इज़ हीटेड एट 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि यदि आपका वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस है, उसको हीट करेंगे तो स्पेसिफिक वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपको पता है जो डेंसिटी होती है वाटर की, वो मैक्सिमम कब होती है, वो होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो हम इसको ग्राफ से समझते हैं। मान लो ये इधर आपका क्या है, टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर यदि हम डेंसिटी कहाँ पे मैक्सिमम है, 4 डिग्री पे, तो 4 डिग्री पे ये मैक्सिमम है डेंसिटी। और वॉल्यूम की बात करते हैं तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वो आपका वॉल्यूम जो है मिनिमम कितने, कब, कहाँ पे होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो 0 डिग्री सेल्सियस से हम बात करेंगे, पहले तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सरफेस टेंशन ऑफ मर्करी एट नॉर्मल टेम्परेचर कंपेयर टू द वाटर इज मोर लेस सेम या फिर मोर और लेस डिपेंडिंग ऑन दी साइज ऑफ ग्लास ट्यूब। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो सरफेस टेंशन होता है मरकरी का, वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रैक्टिकली हम देखें, वैल्यू देखें इसकी, एग्जैक्ट वैल्यू, तो मरकरी के लिए होता है आपका 0.52 न्यूटन पर मीटर। और यदि हम बात करें वाटर के लिए, तो वाटर का होता है 0.0725 न्यूटन पर मीटर। तो काफ़ी कम होता है सरफेस टेंशन वाटर का, लेकिन मरकरी का काफ़ी ज़्यादा होता है, इन दोनों को यदि कंपेयर करें तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिक्विड सेफ कैन बी कंप्रेस्ड वेरी मच, ऑक्यूपाई डेफिनेट सेफ, आर नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, नन ऑफ दीज। तो लिक्विड की जो सेफ होती हैं वो कैसी होती हैं। तो लिक्विड की सेफ तो कोई डेफिनेट सेफ तो होती नहीं है। यदि हम किसी भी कंटेनर में डालेंगे तो उसकी सेफ वो ले लेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन, काफ़ी स्टूडेंट बी में कंफ्यूज हो सकते हैं। ऑक्यूपाइड डेफिनेट सेफ, डेफिनेट सेफ जो होती है वो सॉलिड की होती है, ना कि लिक्विड की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डायमेंशनलेस, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक स्पीड या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का दूसरा नाम है रिलेटिव डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी ऑफ फ्लूड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड। यानी कि ये दो सेम क्वांटिटी का रेशियो है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस। बाकी आपको पता ही है, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक स्पीड की कुछ ना कुछ यूनिट होती हैं, और बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता ही होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव ड्यू टू प्रेशर डिस्टर्बेंस इम्पोज इन ए फ्लूड इज इक्वल टू। तो यहाँ पे आपको फ्लूड के लिए पूछा गया है कि वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटी यदि हम बात करें फ्लूड के लिए, यानी कि लिक्विड के लिए, तो ये होती हैं आपके के अपॉन रो। यहाँ पे के क्या है, के आपके हो जाएगा बल्क मॉडुलस, लेकिन यहाँ पे के को क्या, किससे रिप्रेजेंट किया गया है, ई इज़ द बल्क मॉडुलस। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। और यदि हम बात करें सॉलिड के लिए, तो सॉलिड के लिए वेलोसिटी होती है रूट ई अपॉन रो। यहाँ पे ई क्या है, सॉलिड के लिए यंग मॉडुलस होता है। तो आपको सॉलिड और लिक्विड दोनों के लिए ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इन केस ऑफ लिक्विड डिपेंड अपॉन। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किस पे डिपेंड करता है, द नेचर ऑफ लिक्विड एंड द सॉलिड। तो ये बिल्कुल सही है, द मटेरियल विच एग्जिस्ट अबो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो मान लो हमने कई बार बात की है कि यदि उसके अंदर कैपिलरी ग्लास की रखते हैं, तो इसके मटेरियल पे और लिक्विड दोनों के मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों के मटेरियल पे डिपेंड करता है और लिक्विड के नेचर पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्कोहल इज यूज इन मैनोमीटर बिकॉज। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैनोमीटर क्या करता है।
तो आप सभी को पता होगा मैनोमीटर जो होता है वो प्रेशर मेजर करता है। अब अल्कोहल जो होता है इसे हम क्या करते हैं, इसकी डेंसिटी जो है वो कम होती है, इसलिए हम जो बहुत ज़्यादा कम प्रेशर होता है उसे हम मेज़र करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा, इट कैन प्रोवाइड लॉन्गर कॉलम ड्यू टू लो डेंसिटी। यानी कि मैनोमीटर जो होता है, मान लो ये आपका यहाँ पे कुछ प्रेशर मेज़र कर रहे हैं, यहाँ पे मैनोमीटर लगा है, तो यदि यहाँ पे प्रेशर में चेंज बहुत ही कम आएगा तो यहाँ पे कॉलम में काफ़ी चेंजेस आ जाएगा, यानी कि इससे हम इजीली प्रेशर मेज़र कर सकते हैं यदि थोड़ा सा चेंज होता है प्रेशर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश विल एग्जिबिट विस्को इलास्टिक बिहेवियर। विस्को इलास्टिक का मतलब होता है विस्कस भी हो और इलास्टिक हो। इलास्टिसिटी आपको पता है कि यदि हम फोर्स को हटाएंगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन को रिगेन कर लेगा, और विस्कस भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए जो है स्टील और डायमंड, ये दोनों सॉलिड हैं तो सॉलिड तो विस्कस होंगे नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑर्गेनिक पॉलीमर। जो ऑर्गेनिक पॉलीमर होते हैं वो विस्को इलास्टिक बिहेवियर शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आपको ध्यान से देखना है। इन एन एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग शियर स्ट्रेस टाइम रेट ऑफ शियर स्ट्रेन वैल्यूज आर ऑब्टेन फॉर फ्लूड। तो यहाँ पे आपको शियर स्ट्रेन और शियर स्ट्रेस का वैल्यू दिया गया है, तो कौन सा फ्लूड होगा, न्यूटोनियन, बिंगम प्लास्टिक, सूडो प्लास्टिक या फिर डायलेटेंट। तो इसको आपको ग्राफ बना के देखना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये ग्राफ बना हुआ है और आपको यदि वैल्यू पुट करोगे तो आप इजीली समझ पाओगे। सबसे पहले आपको दिया गया है जब शियर स्ट्रेस जो है, इधर मैं शियर स्ट्रेस लेता हूँ और इधर लेता हूँ मैं रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। जब वैल्यू शियर स्ट्रेन की जीरो है तो शियर स्ट्रेन भी जीरो है, तो यहाँ पे आपका पॉइंट यहाँ हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं शियर स्ट्रेस 1.4, तो 1.4 यानी कि यहाँ कहीं होगा और उसमें शियर स्ट्रेन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका ग्राफ। फिर रेट ऑफ शियर स्ट्रेन 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगी वैल्यू 2.6, तो यहाँ पे ही देखिए 2.6 यहाँ पे आ जाएगा, और 4 पे ये हो जाएगा, यानी इसको आप बनाओगे तो ये आपका ऐसा ग्राफ बनेगा। मैंने आपको बताया था कि तीन ऐसे ग्राफ बनते हैं, ये होता है स्यूडोप्लास्टिक के लिए, ये न्यूटोनियन के लिए और ये होता है आपका डायलेटेंट के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था 6 होते हैं TIR, P and D, लास्ट में आता है D यानी डायलेटेंट, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ई इज गिवन बाय द रिलेशन। तो आप सभी को पता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम म्यू से करते हैं रिप्रेजेंट, वो होती है डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। यहाँ पर डायनेमिक विस्कोसिटी को नीटा से रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैंने वापस इसलिए लिया है ताकि कोई दूसरा नोटेशन दे आप कन्फ्यूज ना हो। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड बिहेव लाइक ए सीट एंड टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट टू स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया ड्यू टू। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि सरफेस टेंशन की वजह से कोई भी जो सरफेस होती है लिक्विड की वो एक फोर्स एग्जिट करती हैं, जिसकी वजह से वो एक टेंशन में रहती हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, सरफेस टेंशन की वजह से, और सरफेस टेंशन किसकी वजह से होता है, फोर्स ऑफ कोहेसन, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपको सेम ही पूछे जाएंगे लेकिन उसका जो पूछने का तरीका होगा वो चेंज हो जाएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। द वेपर प्रेशर ओवर दी कॉनकेव सरफेस इज, तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो कॉनकेव सरफेस होती हैं, कॉनकेव सरफेस उसके ऊपर वेपर प्रेशर प्लेन सरफेस से ज़्यादा होता है या फिर कम होता है। तो एक होती है आपकी कॉनकेव सरफेस और एक होती है कॉनवैक्स, तो कॉनकेव सरफेस पे जो होता है वो कम होता है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लेस देन दी वेपर प्रेशर ओवर दी प्लेन सरफेस। और यदि आपको पूछ ले कॉनवैक्स पे तो कॉनवैक्स पे होगा ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन दी प्लेन सरफेस। एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 हैज़ अ विस्कोसिटी ऑफ 0.8 स्ट्रोक एट 38 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी द विस्कोसिटी इन न्यूटन इनटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पे पहले आपको विस्कोसिटी दी गई है 0.28 स्ट्रोक, तो यदि आपने ये यूनिट देखी है, देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि कौन सी विस्कोसिटी दे रखी है। तो ये दे रखी है आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी, क्योंकि स्ट्रोक जो यूनिट होती हैं वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट होती हैं। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी कितनी है, 0.28 स्ट्रोक, तो 28 स्ट्रोक है तो ये कितना हो जाएगा, 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर
पर सेकेंड। व्हाट विल बी द विस्कोसिटी इन न्यूटन इनटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर, यानी कि आपको पूछी गई है डायनेमिक विस्कोसिटी। तो डायनेमिक विस्कोसिटी निकालने के लिए आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना होगा। और डेंसिटी आपको कितनी दे रखी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, तो इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसकी डेंसिटी आ जाएगी, यानी कि 900 आ जाएगी। तो 0.28 इंटू 10^-4 इंटू 900, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.0252, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पीजोमीटर इज यूज टू मेजर स्मॉल वेरिएशन ऑफ प्रेशर अबव और बिलो एम्बिएंट प्रेशर। तो जो पहला ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पीजोमीटर जो होता है वो गेज प्रेशर मेजर करता है। मान लो ये आपका एब्सोल्यूट प्रेशर है, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, और यहाँ पे हमारा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो प्रेशर होता है उसे हम बोलते हैं गेज प्रेशर, और उसके नीचे होता है उसे हम बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर। तो पीजोमीटर सिर्फ गेज प्रेशर को मेज़र करता है, तो एम्बिएंट प्रेशर के नीचे मेज़र नहीं करेगा, तो ये फर्स्ट गलत हो जाएगा। थिक्सोट्रॉपिक फ्लूड एग्जिबिट डिक्रीज इन विस्कोसिटी विथ टाइम। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा थिक्सोट्रॉपिक फ्लूड होता है, ये इसकी वैल्यू n की वैल्यू जो लेस देन 1 होती है, यानी कि इसकी विस्कोसिटी टाइम के साथ में डिक्रीज होती जाती है। तो सेकंड जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। द प्रेशर ऑफ फ्लूड ऑन सरफेस एक्ट, तो कोई भी मान लो फ्लूड की सरफेस है तो उसके ऊपर जो प्रेशर एक्ट करता है वो नॉर्मल करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नॉर्मल टू दी सरफेस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन है। वाटर इज ए न्यूटोनियन फ्लूड, हाइड्रोस्टैटिक या हाइड्रोडायनेमिक या फिर ब्रिंकमैन फ्लूड। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा, न्यूटोनियन फ्लूड। न्यूटोनियन फ्लूड के कुछ एग्जांपल और है, जैसे वाटर हुआ, केरोसिन हुआ, आपका डीजल हुआ, ये सब जो है पेट्रोल हुआ, ये न्यूटोनियन फ्लूड के एग्जाम्पल है। आपको एग्जाम में किसी का भी पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इज 2.5, एज्यूमिंग जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ लिक्विड इज। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो क्या होती है, डेंसिटी ऑफ फ्लूड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड। अब डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है, तो यहाँ पे भी मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा, लेकिन मास यहाँ पे किसका होगा, फ्लूड का, और यहाँ पे स्टैंडर्ड फ्लूड का, लेकिन वॉल्यूम जो होगा, चाहे दोनों मास अलग अलग हैं लेकिन उनका वॉल्यूम सेम रहेगा, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे मास ऑफ एस इज इक्वल टू मास ऑफ फ्लूड टू द मास ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड। तो यहाँ पे आपको मास ऑफ फ्लूड पूछा गया है, तो यहाँ पे एस यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दे रखी है, 2.5, और मास ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5 किलोग्राम। ये क्योंकि यदि आप 1 लीटर लोगे तो ये लीटर में आएगा, और 1 किलोग्राम में लोगे तो किलोग्राम में आएगा, तो जो यदि आप लीटर को किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो जो 10^-3 आएगा वो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे आपको लैंग्वेज चेंज दी गई है। ऑप्शन ए दिया गया है एब्सोल्यूट वेलोसिटी टू मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड टू एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, या फिर एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। डायनेमिक विस्कोसिटी को एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी कहते हैं, इसलिए ये मैंने क्वेश्चन वापस लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, पास्कल लिखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा, 1 पास्कल। यदि फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछ लेता 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर कितना होता है, तो न्यूटन पर mm स्क्वायर को मीटर में बदलेंगे तो 10^6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 10^-6 मीटर स्क्वायर, और ये माइनस सिक्स ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपके 10^6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, पास्कल, और 10^6 जो होता है वो मेगा हो जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे 1 मेगा पास्कल। तो यदि न्यूटन पर एम एम स्क्वायर पूछ ले तो आपको 1 मेगा पास्कल करना है, और सिंपली आपको पूछे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो वो होता है पास्कल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड, मास डेंसिटी, एरिया, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वेट।
तो यहाँ पे जो एरिया है वो प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन मास डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम या फिर स्पेसिफिक वेट, ये सब जो है वो फ्लूड की प्रॉपर्टी होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमेजिनरी फ्लूड। तो यहाँ पे नॉन न्यूटोनियन फ्लूड, आइडियल फ्लूड, न्यूटोनियन फ्लूड या फिर रियल फ्लूड। तो इमेजिनरी फ्लूड कौन सा होता है, वो होता है आपका आइडियल फ्लूड। आइडियल फ्लूड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक इमेजिनरी फ्लूड है, उसकी विस्कोसिटी भी जीरो होती है, सरफेस टेंशन भी जीरो होता है और वो इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी कि ये एक आइडियल कंडीशन है, ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और यदि कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।